अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू किचन फूडीज। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारे ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर की है जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग, हेल्दी हैं और गर्मियों में तो बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं, आपको ठंडा ठंडा कूल रखेंगे। तो सबसे पहले बनाने लगे हैं बादाम का शरबत। तो इसके लिए मैंने बादाम ले लिए थे, 15 से 20 अदद बादाम। इनको रात भर के लिए भिगो दिया था पानी में और फिर सुबह इनका छिलका रिमूव कर लिया। उसके साथ ले लिए 6 टेबल स्पून चीनी और ये है जी दूध। ये कोकोनट मिल्क है, ये आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाएगा और ये काफ़ी थिक होता है, रिच होता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो करना क्या है, आपने ये बादाम भी इस दूध में डाल देने हैं और चीनी भी डाल देनी है, तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। अब ब्लेंड हो गई हैं, ये देखें तीनों चीज़ें ब्लेंड करके दिखा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है खूब ठंडा चिल करके। बहुत ही थिक क्रीमी शरबत बनेगा ये बादाम का और आप इसको गर्मियों में खूब इंजॉय कर सकते हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। चलते हैं नंबर टू की तरफ। अब नेक्स्ट ड्रिंक बनाएंगे और ये है पीच जूस, फ्रेश आड़ू से बनाएंगे इसको। सीज़न में है आड़ू, तो आप भी इस ड्रिंक को ज़रूर बनाएं और नेचुरल चीज़ों के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ट्राई किया करें कि पैकेट के जूसेस को अवॉइड करें और इस तरह से फ्रेश ही बनाएं जूस। तो मैंने 4 अदद आड़ू ले लिए थे, उनका छिलका उतार लिया, साथ उनकी जो बीज होता है वो भी रिमूव कर दिया। चीनी डाली है हसब ज़रूरत और पानी डाला है 1 गिलास और बस इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठंडा पानी डालना है, ये देखें ब्लेंड करके दिखा रही हूँ मैं आपको बस। और अब इसको सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनेगा, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ, गर्मियों का खास कूल कूल रिफ्रेशिंग फालसा शरबत। तो फालसा शरबत बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1 पाव फालसा, इनको धो लिया था अच्छे से और एयर ड्राई कर लिया था। और साथ में चीनी ले ली है, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैं इसके अंदर 5 टेबल स्पून चीनी शामिल करूँगी। और इन दोनों चीज़ों को जूसर ब्लेंडर में डाल लेना है। फालसे के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है और स्टमक की जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये, और मैदा और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, एज अ समर कूलेंट काम करता है। और अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं 2 गिलास पानी, ठंडा पानी शामिल किया है मैंने ये। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए ये है फाइनल लुक ब्लेंड करने के बाद, अब इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो मैंने लिया है एक जग और उसके ऊपर रख दी है स्ट्रेनर और इससे अच्छी तरह से सारा छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे, जितना इसके अंदर आएगा उतना उतना डालकर इसको छान लेंगे सारे को। एक चम्मच से इसको मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, तो इस तरह से जो जूस होगा वो सारा जग के अंदर आ जाएगा और ऊपर सारा जो इसका फाइबर है वो ऊपर रह जाएगा, साथ में बीज भी होते हैं इसके वो ऊपर रह जाएंगे। तो ये देखें सारा जो फाइबर वो ऊपर रह गया है और नीचे देख सकते हैं कितने अच्छे से जूस निकल आया है। बस बाकी सारा भी मैं इसी तरह से छान लूँगी। फाइनली इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और बस ये सर्व करने के लिए रेडी है। ग्लास में आइस क्यूब्स डालेंगे और फालसे का शरबत डालेंगे और सर्व करेंगे। गर्मियों के लिए बेस्ट ड्रिंक है ये, आप लोग बनाएं और इंजॉय करें।
अब बारी है जी ड्रिंक नंबर 4 की, और ये है स्ट्रॉबेरी लेमनेड या फिर स्ट्रॉबेरी मोहितो। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये हैं कुछ स्ट्रॉबेरीज, ये तकरीबन 8 से 10 अदद स्ट्रॉबेरीज हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें शामिल किए हैं कुछ लेमन स्लाइसेस, ये हाफ लेमन है उसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं और इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही कुछ पत्ते हैं पुदीने के, और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है ये और बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसका हर एक सिप आप इंजॉय करेंगे, बहुत टेस्टी। तो बस अब इसको कूट लेना है अच्छे से, जितना भी गुस्सा है आपको किसी के ऊपर वो सारा इस पर उतारना है, इसको ब्लेंड नहीं करना, इसको क्रश करना है। ये मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दे रही हूँ जो रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो आपको मिलता है ये ड्रिंक, और ये इतना बेस्ट है समर के हवाले से कि आप इसको पीकर बहुत रिफ़्रेश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और इसका हर एक सिप आप इंजॉय करने वाले हैं। तो ये देखें मैंने इसको क्रश कर लिया है, देखें इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया, इसमें कुछ पीसेस मोटे भी हैं स्ट्रॉबेरी के और लेमन के भी। तो अब सर्विंग ग्लास के अंदर इसको सर्व करेंगे। एक ग्लास के अंदर 2 टेबल स्पून ये मिक्सचर शामिल किया जाएगा। गर्मियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त कूल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, आप इसको पीते ही बहुत ज़्यादा कूल और रिफ़्रेश हो जाएंगे। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं 2 लेमन स्लाइसेस, साथ ही इसके अंदर शामिल कर दिया है वाइट सोडा, कोई भी वाइट ड्रिंक आप इसके अंदर शामिल कर दें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, बराबर में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी वो वीडियो देख सकें। और इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ आइस क्यूब्स, और भाई मैं तो फिर इस ड्रिंक को इंजॉय करने वाली हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी ये रेसिपी बनाओ और खूब इंजॉय करो। नेक्स्ट ड्रिंक है जी प्लम जूस, इसे आलू बुखारा या फिर आलूचा ड्रिंक भी कहते हैं। गर्मियों में तो ये ज़रूर बनता है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं और खून भी पैदा करता है ये बॉडी में। तो जनाब इसके लिए ले लेने हैं आलूचे और इनको डी सीड कर लेना है। नाइफ से मैंने काट दिया, जो इसका सीड था वो निकाल दिया, उसके बाद इसको ब्लेंडर जग में डाल देना है और इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। मैंने 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की है और आधा टीस्पून काला नमक डाला है। साथ शामिल कर दिया है जी पानी, खूब ठंडा पानी शामिल कीजिएगा और फिर इसको ब्लेंड कर लिएगा, बस फिर इसको सर्व करना है। नॉर्मल वाटर है ये,
और फ्लेम को ऑन कर लेना है। और इसके अंदर मैंने ये डाला है गुड़, ये बड़े साइज़ का गुड़ का पीस है, तो 2 अदद पीसेस मैं इसके अंदर डालूंगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ के पीसीस हों तो फिर आपने 3 डालने हैं। बस अब इसको मीडियम टू हाई हीट के ऊपर पकने देना है। इस ड्रिंक की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और शुगर भी नहीं है, तो इसको डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत आराम से पी सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, रिफ्रेशिंग होता है। तो देखें, पकते हुए इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और जो गुड़ है वो इसके अंदर मेल्ट हो गया है। इसको 1-2 बॉयल आने देंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे, रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको छान लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर से इसको छान लेना है। तो ये ठंडा हो गया था, देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर कितना प्यारा है। और मैंने चिया सीड्स को भी भिगो दिया था पानी में 15 मिनट के लिए। अब जिस गिलास में आपने सर्व करना है उसमें आइस क्यूब्स डालें, खूब ठंडा चिल करके सर्व करिएगा ताकि पीने वाले को मज़ा ही आ जाए। और 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर भीगे हुए चिया सीड्स डाल दूंगी, यानी कि जिसको आप दुख मलंगा भी कहते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं 1/2 स्लाइस लेमन का डाल दूंगी और जो गुड़ का शरबत रेडी किया है हमने वो डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस भी डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। देखा कितना झटपट और ज़बरदस्त ड्रिंक रेडी हुआ है। ड्रिंक का नाम है सागुदाना ड्रिंक। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक है। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है, इसको बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ जेलीज इन इट। ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन, उसके अंदर शामिल किया है 1.5 कप पानी। और जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने शामिल करना है 1/4 कप साबूदाना और इसको मीडियम टू लो हीट पर पकाना है। साबूदाना बच्चे बड़ों सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है ये। और इसको साथ साथ इसके अंदर चम्मच भी चलाते जाएं। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ये तैयार है। ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, यहाँ पर हमने रेडी करनी है जेली। और ये मैंने लिया है 1 कप पानी, जब पानी में अच्छे से उबाल आ गया तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी जेली, ग्रीन जेली है ये, बनाना जेली है। और इसको मैंने अकॉर्डिंग टू पैकेट डायरेक्शंस बना लिया है। साथ साथ इसके अंदर चम्मच चलाते जाएं ताकि सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं पानी के अंदर। तो जनाब जेली तैयार है, फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको सेट कर लेते हैं जेली को। यूजिंग द सेम प्रोसीजर अब ये मैं बना रही हूँ रेड जेली और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इसको भी अकॉर्डिंग टू द पैकेट डायरेक्शन बना लिया है। और जब ये जेली बन गई तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर सेट कर लिया, उसके बाद इसकी कटिंग कर ली क्यूब्स में। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। ये है 1 लीटर दूध और इसके अंदर मैंने शामिल किया है 4 टेबल स्पून शुगर। शुगर को अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे दूध में। चीनी डिसॉल्व हो गई है, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे साबूदाना जो हमने पका कर रखा है और इसको भी दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब बारी आती है इसके अंदर जेलीज शामिल करने की। तो यहाँ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ क्यूब्स में कट की हुई स्ट्रॉबेरी जेली और ये है बनाना जेली। इस सब को अच्छे से मिक्स किया
फिर इसके अंदर शामिल किया रूह अफ़ज़ा, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें कितना कलरफुल और हेल्दी ड्रिंक बना है ये। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। लास्ट स्टेप ये है 1 टेबल स्पून दुख मलंगा, इसको मैंने पानी में भिगो लिया है। ये 15 मिनट के लिए भिगोया था मैंने और अब इसको मैंने दूध में शामिल कर दिया है। इसको देंगे अच्छे से मिक्स एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व। मैंने ग्लास में शामिल की आइस क्यूब और शामिल किया ये साबूदाना ड्रिंक। देखें कितना कलरफुल और हेल्दी है ये। गिव इट अ ट्राई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब